तो दोस्तों मैं हूं उपेंद्र गुप्ता, फिर से अपने उपेंद्र गुप्ता टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जो कि बहुत अमेजिंग है। आप इस ट्रिक को करके बहुत अमेजिंग फील करने वाले हो। तो ट्रिक क्या है मैं आप सभी को बता दूँ। ये ट्रिक है कि कोई भी आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करता है तो उसको स्विच ऑफ बताएगा मोबाइल, बाकी सबका कॉल आएगा, आप जिसे चाहेंगे उसी का नंबर सिर्फ स्विच ऑफ बताएगा। तो ये ट्रिक कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका फ़ोन सिर्फ उसी को स्विच ऑफ बताएगा जिसे आप चाहेंगे और बाकी सबका कॉल आएगा। तो ये ट्रिक बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर आने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं, अगर आपके पास कोई भी बंदा बार बार फ़ोन करता है, अगर आप चाहते हैं कि वो कम फ़ोन करे और आप उसको क्या करते हैं, कभी कभी आप इरिटेट होकर ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो सामने वाला बंदा क्या होता है, फ़ोन करता है तो बार बार बिजी बताता है, इसके वजह से आप पे वो गुस्सा हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो करना क्या होगा आपको कि अगर आपको कोई बार बार फोन करता है और आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो ब्लैक लिस्ट में डालें, तो वो बंदा जब भी फोन करे तो बिजी ना बताएं, हालांकि स्विच ऑफ बताएं। उस ट्रिक को करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो ट्रिक है बहुत अमेजिंग है, आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने डायल पैड में आ जाएंगे। डायल पैड में आने के बाद मेरे में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके वजह से मुझे इरिटेशन होता है, तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए किसी को एग्जांपल में ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये बंदा जो है मुझे बार बार फ़ोन करते हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैक लिस्ट में जैसे ही डाल देता हूँ, तो अब इनको क्या होगा, जब भी ये मेरे मोबाइल पे फ़ोन करेंगे, मेरे नंबर पे फ़ोन करेंगे, तो सिर्फ बिजी करके बताएगा, ना कि स्विच ऑफ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद आपको बिजी ना बताए, स्विच ऑफ बताए, तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि ये सेटिंग सबके मोबाइल में सेम ऐसा ही दिखाता है। तो यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछता है कि वन नंबर से आपको फॉरवर्डिंग चालू करना है या दो नंबर से, तो आप जो भी रेगुलर सिम यूज़ करते होंगे उसी पर आप चालू करेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले सिम का नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि यही नंबर सबके पास है लगभग, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीडिंग सेटिंग्स लिख रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन खुल जाता है आपके सामने। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो वेन वीजी जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप को यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आपको उस नंबर को पहले ढूंढ के रख लेना है जो कि ऑलरेडी पहले से जो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो, उस नंबर को आपको ढूंढ के रख लेना है। उसके बाद आपको उसी नंबर को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैं डाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सही का टिक कर लूँगा। जैसे ही टिक करता हूँ तो अपडेटिंग लिखता है, अपडेटिंग के बाद यहाँ पे मेरा सेटिंग चालू हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे सिंपली आप उसी नंबर को डालिएगा जो कि ऑलरेडी जो नंबर स्विच ऑफ रहता हो, मतलब जो नंबर बंद रहता हो, उसी नंबर को डाल के यहाँ पे वेन वीजी चालू कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे ही ओके किया हूँ तो ऑलरेडी मेरा नंबर पड़ा था, तो यहाँ पे मेरा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब आपका सेटिंग हो चुका है। अगर आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे डायल पैड में जाता हूँ। डायल पैड में अगर ये बंदा फिर से मेरे पास कॉल करते हैं तो इनको बिजी नहीं बताएगा, स्विच ऑफ बताएगा, क्योंकि मैं फॉरवर्डिंग कर चुका हूँ कॉल को, ठीक है। जब भी मैं किसी को ब्लैक लिस्ट में डालूंगा तो उनको बिजी नहीं बताएगा, स्विच ऑफ बताएगा। और मैं यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इस समय दो मोबाइल नहीं अवेलेबल है, इसके वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लाइव डेमो दिखाता आप सभी को। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ये ट्रिक 100% काम करता है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपको सब डाउट क्लियर
क्लियर कर दूंगा अगर कोई दिक्कत आता है तो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो बाय दोस्तों, फिर से एक अगले वीडियो में मिलते हैं।